इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से भारत की आजादी के लिए लड़ने के उद्देश्य से की गई थी। इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी और उमेश चंद्र बनर्जी इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने। इस पार्टी का पहला सेशन 72 लोगों द्वारा अटेंड किया गया था, जिसमें विलियम वेडरबर्न, दादा भाई नारोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। पार्टी ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका गठन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।